अगर आप इंडियन ई-कॉमर्स में हो या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको RTO आता होगा, जिसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जो आपकी ओवरऑल सेल होती है वो तो बहुत ज़्यादा दिख रही होती है कि भाई इतनी ज़्यादा सेल आ गई है, बट एट दी एंड जब आपका RTO बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाता है, तो जो आपका प्रॉफिट है वो ख़त्म ही हो जाता है या फिर बहुत कम होता है, या फिर आप लॉस में भी जा सकते हो बिकॉज ऑफ RTO। इंडियन ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि RTO बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर RTO को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एग्रीगेटर चैनल के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने डिलीवरी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि आपका जो डिलीवरी है, डिलीवरी रेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपका ऑर्डर जो है वो लोगों तक पहुँच जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं अभी आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारा जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ चुका है, प्लस क्या क्या अदर बेनिफिट है वो जानने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक कर दो वीडियो को, बाकी शुरू करते हैं। तो देखो, RTO परसेंटेज की वजह से बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर बंद हो गए, बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर बंद हो गए। अब यहाँ पर जो एग्रीगेटर ये है, ये बाकी से कैसे अलग है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि डिलीवरी परसेंटेज आपका डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। दूसरी चीज़ कि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको फ्री व्हाट्सएप ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो लोग आपके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, उनको दिखता है कि एक ब्रांडेड स्टोर से प्रोडक्ट आ रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट भी करेंगे, प्लस आपकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज होगी और आपको रिटर्न कस्टमर रेट भी मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फ्री व्हाट्सएप ऑटोमेशन मिलता है, जिसके कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें आपको अप टू डेट बताई जाएंगी। जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी, दैट इज़ कि इनका सपोर्ट, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। आगे वीडियो में आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, व्हाट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, टेक्निकल प्रॉब्लम, वेट की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करो, सबके लिए आपको अलग अलग सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पर आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस एग्रीगेटर के साथ। और अगर आप इसके साथ काम करते हो तो आपका भी डिलीवरी रेट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो कि डेफिनेटली इंक्रीज होंगे होंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, प्लस आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कैसे आप शॉपिफाई से इसको कनेक्ट करोगे उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका स्टोर WooCommerce पे, तो WooCommerce के लिए भी इनके पास सारा प्लगइन वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप ऐड करोगे, वो सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे दे दी जाएगी। और जिस टूल की मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ Fship। ठीक है, हम Fship का इस्तेमाल करेंगे टू शिप आवर ऑर्डर्स, और उससे हम अपने डिलीवरी परसेंटेज को बढ़ाएंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, और मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप Fship का इस्तेमाल करोगे। तो हम आ चुके हैं हमारे Fship के डैशबोर्ड में। ठीक है, ये हमारा कुरियर पार्टनर है, जो कि आपके ऑर्डर्स को पहुंचाएगा आगे आपके कस्टमर तक विथ लेस रिटर्न्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इधर ये का डैशबोर्ड है, क्लियर डैशबोर्ड, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोई घोच पोच नहीं है, इट्स अ क्लीन डैशबोर्ड। ठीक है, जो कि देखने में अच्छा लगता है, सो दैट कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर रिचार्ज वगैरह, वॉलेट वगैरह, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, एंड सामने आपको बताया जाता है कि आज के कितने ऑर्डर्स थे, आज का कितना रेवेन्यू है, उसके साथ साथ आज की कितनी जो भी एवरेज शिपमेंट चल रही है वो कितनी हो रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरऑल डिलीवरी रेट वर्सेज RTO, तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें डिलीवरी रेट करंटली 83% का डिलीवरी रेट है, उसके साथ 14% का RTO है, एंड 2% का 2.212% का आपका NDR पेंडिंग है। ठीक है, प्लस अगर कुरियर स्प्लिट देखोगे, यहाँ पर आपको कुरियर कंपनी भी शो कर देगा कि भाई आपके मैक्सिमम ऑर्डर किस कुरियर कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं देखा जाए, तो यहाँ पर मेरे से ज़्यादातर डिलीवरी जा रही है, और बाकी रेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो मैक्सिमम डिलीवरी यानी कि ऑलमोस्ट सारा डिलीवरी ही हम यूज़ कर रहे हैं। देन शिपमेंट स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, ओवरऑल शिपमेंट स्टेटस, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भी बताई जा रही हैं, भाई पिकअप यहाँ पर कितने हो रखे हैं, इन ट्रांजिट कितने हैं, डिलीवरी में कितने हुए, NDR कितने हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल डिलीवरी वर्सेज RTO कुरियर आएगा। ठीक है, देन शिपमेंट ओवर यू बाई स्टेट। ठीक है, आपको यहाँ से एक चीज़ ये पता चल पाएगी किस स्टेट में आपके सबसे ज़्यादा डिलीवरी चल रही है, किस स्टेट में सबसे ख़राब डिलीवरी रेट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में मेरे यहाँ पर 14 RTO है, 10 अभी 14 RTO थे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11 RTO है, यहाँ पर देखा जाए तो 10 RTO है। सो यू कैन सी कहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी रेट है किस स्टेट में, तो आप अपने एड्स जो है उन स्टेट में अलग से चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट 99 डिलीवर हुए हैं, और उसके बाद हरियाणा में सबसे हाईएस्ट है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि जिस स्टेट में मेरे ऐड डिलीवर हो रही है, मैं आपको एक ऐड के तौर पे बता रहा हूँ कि Fship के डैशबोर्ड के थ्रू ये चीज़ें जो आपको मिल रही है, इसके साथ आप अपने ऐड को भी बेटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको शिपिंग पार्टनर की तरह चीज़ें दिख जाएंगी कि भाई क्या शिपिंग पार्टनर का क्या ओवरव्यू चल रहा है वगैरह वगैरह। तो जो सारा डेटा है वो एकदम एग्जैक्टली आपको यहाँ पर चीज़ें शो कर देता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आओगे, इधर तो इनका डैशबोर्ड है,
तो ऑर्डर में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने बुक्ड हैं, मैनिफेस्टेड पिकअप्स, इन ट्रांजिट कितने, आउट फॉर डिलीवरी कितने, डिलीवर्ड कितने, आरटीओ वगैरह। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो आपकी डिलीवर्ड जो ऑर्डर हो चुके हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। प्लस एक जो अच्छी बात यह आती है एफ शिप के साथ, दैट इज कि आपको 20,000 रुपीज का क्रेडिट मिलता है, कि आपको वॉलेट को रिचार्ज नहीं करना है। जो 20,000 रुपीज का क्रेडिट है, जब भी आपका सीओडी रिमेंटेंस आएगा उससे वो कट होता चला जाएगा, ठीक है। सो एक ये बहुत ही बेस्ट बात है, अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ आप जाते हो और एफ शिप के साथ काम करना शुरू करते हो, तो आपको ये 20,000 का क्रेडिट वॉलेट भी मिल जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप ऑर्डर्स वगैरह भी देख सकते हो, एनडीआर वगैरह चेक कर सकते हो, जो भी एनडीआर वगैरह होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप डेट के हिसाब से, फिल्टर के हिसाब से चीजों को देख सकते हो। देन कमिंग टू बिलिंग, बिलिंग में आप शिपिंग चार्जेस देख सकते हो कि भाई क्या शिपिंग चार्ज है, वेट की डिस्पेंसी अगर है तो वो देख सकते हो, वॉलेट हिस्ट्री, इनवॉइस, सीओडी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। एंड टूल्स की मैं बात करूँ, रेट कार्ड, रेट कैलकुलेटर, एक्टिविटी लॉग, कोरियर प्रेफरेंस, ठीक है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स अगर आप यूज करना चाहो तो आप कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू वांट कि सर्टेन टाइप के कीवर्ड्स या सर्टेन टाइप के एड्रेस ना पिक करे, तो यहाँ पर आप आके डाल सकते हो और वो चीज़ वहाँ से पिक नहीं होगी। सिंक कलर वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो एप शिप का डैशबोर्ड है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कोई मुझे बहुत ज्यादा डिटेल आपको बतानी नहीं पड़ रही है। शायद आप ये वीडियो देख करके ही सारी चीजें समझ रहे होगे कि ये कितना आसान है और कितनी आसानी से आप यहाँ पर चीजों को समझ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपोर्ट में भी आप आकर आराम से अपनी पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो, जो भी चीज आप चाहो उसका फिल्टर यहाँ पर सेट करिए एंड यू विल बी गेटिंग द रिपोर्ट। सेटिंग में आ जाओगे, सेटिंग में आप यहाँ पर अपनी कंपनी प्रोफाइल सेटअप करोगे, जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स है वो सारी आपको यहाँ पर करनी होगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये जब आप जैसे कर लेते हैं, आपका एफ शिप डैशबोर्ड बेसिकली वर्किंग में रहेगा ही रहेगा। देन आपको अपना पिकअप एड्रेस डालना होगा कि भाई कहाँ से पिकअप करना है। सीओडी पेमेंट्स बेसिकली बैंक डिटेल्स दीजिए जहां पर आपको पेमेंट आएगी, जिस जगह पे एफ शिप आपको पेमेंट भेजेगा, ठीक है। उसके बाद हम बिलिंग की बात कर लेते हैं, बिलिंग में आपका बिलिंग एड्रेस वगैरह डालेंगे आप। लेबल इनवॉइस, अगर आप जो भी डिटेल्स चाहते हो कि आपके लेबल पे क्या क्या डिटेल्स मेंशन हो, क्या क्या डिटेल्स ना मेंशन हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। एपीआई डिटेल्स, यहाँ से बेसिकली आपको एपीआई डिटेल मिलेगी, जो जिसके थ्रू आप अपने एफ शिप वगैरह को कनेक्ट करोगे, आपके वू कॉमर्स, शॉपिफाई, वट एवर जो भी है आपके पास, ठीक है। ब्रांडेड ट्रैकिंग पेज वगैरह हो गया। चैनल में आएंगे तो चैनल में आप अपने चैनल को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐड चैनल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे दो चैनल दिख रहे हैं अभी के लिए, शॉपिफाई और वू कॉमर्स, ठीक है। अब मान लेते हैं हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पे इसको ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, जो भी आपका स्टोर नेम है वो फिलअप करेंगे, देन स्टोर का यूआरएल, जो shopify.com वाला यूआरएल होता है वो डालेंगे, टैग्स आप डाल सकते हो, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की, ये कैसे आती है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर इन्होंने खुद से देर भी रखा है कि किस तरीके से आप शॉपिफाई के ऐड पैनल को कनेक्ट करोगे एफ शिप के साथ। तो आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एप्स में आना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऐप एंड सेल चैनल पे आइए, इधर आकर के आप डेवलप एप्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आने के बाद क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करिए, आप अपने ऐप का नाम दोगे। लेट सपोज मैं आपका नाम देता हूँ एफ शिप, ठीक है, मैंने ये एफ शिप का नाम दे दिया है। सो वंस आई गिव द नेम, आपको जो भी यहाँ पर एपीआई की वगैरह शॉपिफाई आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ से सीधा, जैसे एपीआई स्कोप आ गया, एपीआई स्टोर फ्रंट का एपीआई स्कोप आ गया, ये सारी चीजों को आप सीधा वहां पर एफ शिप के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप सिंपली यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर स्टोर में, मैं अभी आपको नहीं करके दिखा सकता क्योंकि इस स्टोर में ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। प्लस बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रखी हैं, तो जनरली आप यहां से आराम से कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। प्लस अगर मान लो आपको कोई इशू आता है, तो एफ शिप का सबसे बेस्ट बात यही है कि इनका सपोर्ट काफी अच्छा है, तो यहां पर आपको हर एक चीज के लिए आपको क्वेरी मिल जाएगी, क्वेरी का नंबर। जैसे अगर आपको शिपमेंट रिलेटेड क्वेरी है, यू हैव दिस नंबर, आपको पिकअप रिलेटेड क्वेरी है, यू हैव दिस नंबर, बिलिंग रिलेटेड है तो यू हैव दिस नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपका कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, यू आर हैविंग दिस नंबर। अगर मान लो अभी आपको इस वीडियो के अलावा भी आपको कुछ चीजें जाननी है, कि भाई आप कुछ और चीजें समझना चाहते हो, तो डैशबोर्ड ट्रेनिंग का ये नंबर है, आप यहाँ से डायरेक्टली डैशबोर्ड ट्रेनिंग भी ले सकते हो कि क्या चीज किस तरह से वर्क करती है। सो इट्स अ ओवरऑल थिंग एफ शिप के साथ, जो अगर आप काम करते हो तो एक चीज बेटर ये होती है कि जो आपका डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, और अगर ई कॉमर्स में आपका डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाता है तो भाई फिर आपको पता है कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है, आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से स्काई रॉकेट होगा। तो मेक श्योर कि आप एफ शिप का इस्तेमाल करना शुरू करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप अगर शुरू कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग या ऑलरेडी आपकी खुद की ब्रांड है तो आप एफ शिप का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो नॉर्मल अभी आरटीओ रेट चल रहा है, जो डिलीवरी रेट चल रहा है, वो काफी ज्यादा डिलीवरी रेट बढ़ जाएगा और आरटीओ रेट काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यू कैन सी द डेटा ओवर हियर, ठीक है, सारा डेटा फ्रेश है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इसको, ठीक है। सो आप चाहते हो अगर एफ शिप को यूज करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस चीज से इस्तेमाल इसको कर सकते हो। बाकी और अगर आपको वीडियो जाननी है कि आरटीओ किस तरह से और चीजें कम हो सकती हैं, कैसे ड्रॉप शिपिंग की सेल्स वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आने वाले टाइम पे इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।